दोस्तों विप्रो शेयर को हम आज अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स को चेक करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में है बहुत कुछ जो कि किसी भी शेयर को लेने से पहले हमें देखना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। इससे पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आई है, उसे भी आप वीडियोज में आके देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये शेयर पिछले एक साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी प्राइस मूवमेंट काफी अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 5 साल का चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हो कि 2016 में ये शेयर 163 से 180 के बीच ट्रेड कर रही थी। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। 2018 में इसकी प्राइस थी 246 रुपीज और दोस्तों 2019 में 298 के प्राइस को टच किया इसने। लेकिन दोस्तों, कोरोना की वजह से इसकी प्राइस फिर से 180 आ गई। लेकिन दोस्तों 2020 में फिर ये संभला और एक अच्छा प्राइस मूवमेंट को शो किया। तो दोस्तों, अभी इसकी प्राइस अगर आप देखो तो 587 रुपए इसका करंट प्राइस है, लेकिन ये 600 के लेवल को टच भी कर चुकी है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेयर है। दोस्तों, अगर बात करें शेयर के मार्केट कैप की तो मार्केट कैप है 321,714 करोड़। दोस्तों, इसकी करेंट प्राइस है 587 रुपए और 52 वीक्स हाई लो की अगर बात करें तो 52 वीक्स में लो बनाया है 268 रुपए का और 52 वीक्स में हाई बनाया है 602 रुपए का। दोस्तों, अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो डिविडेंड यील्ड 0.17% है। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 2 रुपए की है और इसकी आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6% की है और दोस्तों आरओसीई 22.1% की है। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी पे कर्ज की यानी कि डेब्ट की तो 5,815 करोड़ का कर्ज बताया जा रहा है कंपनी पे। क्योंकि दोस्तों कंपनी पे कर्ज है तो हमें आरओसीई रेशियो भी देखना चाहिए जो कि 22.1% है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देख ही रहे हो। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक की ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की तो 21.26 है, पीई रेशियो 27.62 है, बुक वैल्यू पर शेयर 99.91 है, पीबी रेशियो 5.88% की है और फेस वैल्यू 2 की है। दोस्तों, अगर बात करें कि कितने की वॉल्यूम में ट्रेड हो रही है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 3,01,78,206। दोस्तों, अगर इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू सेक्शन में हर साल इजाफा दिख रहा है और 2021 में 61,934 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो हर साल की तरह नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो पिछले साल के मुताबिक 0.01% बढ़ा है। पिछले साल के मुताबिक दोस्तों सेल्स में ग्रोथ आई है। पिछले साल सेल हुआ था 16,245 करोड़ का और टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम भी पिछले साल के मुताबिक बढ़ा ही है। पिछले साल 16,778 करोड़ का इनकम था और इस साल 19,045 करोड़ का इनकम है। दोस्तों, अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है। पिछले साल था 2,973 करोड़ और इस साल है 3,247 करोड़। दोस्तों, शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल पिछले साल के मुताबिक घटा है और रिजर्व और सरप्लस भी घटा है और टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है। दोस्तों, कंपनी के पास टोटल एसेट पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है। इस साल टोटल एसेट है 82,732 करोड़ और दोस्तों कैश फ्लो की बात करें तो पिछले साल निगेटिव कैश फ्लो शो हो रही थी और इस साल पॉजिटिव कैश फ्लो शो हो रही है जो की है 2,555 करोड़। दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास 73.02% की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास इस साल 11.11% की शेयर होल्डिंग है और दोस्तों FIIs ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और बढ़ा के 9.83% कर दिया है जो कि अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग को घटाया है। दोस्तों, अगर बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम की तो 30 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इस शेयर को कंसीडर किया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस शेयर को कब लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो इस शेयर को तो आपको ये कोई नहीं बता सकता कि शेयर लेने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, ये आपको खुद से डिसीजन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे हम अपनी एक छोटी सी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 डेज का चार्ट लगा रहा हूँ और आप देख सकते हो कि 5 डेज में शेयर घटा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस शेयर को बाय कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगे तो, और आप इसमें जब भी निवेश करना स्टार्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी आनी चाहिए। उसके लिए मैं
एक और वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। वेल, अगर आप इस शेयर को लेना चाहते हैं तो इसमें अपनी और रिसर्च कर ले और अपने रिस्क पे इस शेयर को बाय करें। मैं बस यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपके अपने रिस्क के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 डेज में शेयर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में ये शेयर थोड़ा सा ऊपर गया था, तो अभी इसमें और भी नीचे आने का आशंका है। अगर देश में किसी तरह का प्रॉब्लम आया या फिर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आई या किसी तरह का न्यूज आया तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तब शेयर थोड़ा सा और डाउन में जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 5 साल से एक अच्छा मूवमेंट शो कर रही है, खास करके 2020 से यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूवमेंट शो की है कंपनी ने और प्रॉफिट अच्छा खासा कमा के दिखाया है। तो शेयर ठीक ठाक है, अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों कंपनी हर साल डिविडेंड भी दे रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक और बात, आप इस शेयर का एनुअल रिपोर्ट जरूर डाउनलोड करके उसे पढ़ें। एनुअल रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, उनके काम करने का तरीका, मैनेजमेंट क्या सोचती है और कंपनी का अभी का कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल सके।